हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का दिन है और हम सब आए हमारे गुरुजी के धाम पे, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। तो भी हम हैं धाम पे, आप ये देख सकते हो, ये धाम है। और मेरे साथ है सर, मेरा प्यारा सा काना और षष्ठी। और फिलहाल अभी बाहर जो है हवन चल रहा है, तो लेट्स सी आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बताते बाहर हवन कैसा हो रहा है, चलो। सो गाइस, बाहर जो है हवन चल रहा है और अभी हम आपको दिखा देंगे हवन में कौन कौन बैठा है और कौन कौन आया है धाम पे। मतलब अभी कोविड भी है तो सब सोशल डिस्टेंसिंग है और सब वैक्सीनेटेड है, तो उसके बाद बात नहीं। सो अभी हम चलते हैं बाहर और आपको दिखा देंगे कि क्या हुआ है। देखा आपने कि बाहर अभी हवन चल रहा है और सब जो भी बड़े हैं वो सब हवन में बैठे हैं। तो अभी हम आपको हमारे पूरा जो धाम है उसको दिखाते हैं ना, धाम कैसा है और कहाँ पर है, हम आपको पूरा अपना धाम दिखाते हैं। सो गाइस, ये हमारा फर्स्ट रूम है, ये ज्योति दिवस। यहाँ पे हमने गुरुजी को स्थापित किया है। और ये सारी अलमारियाँ, यहाँ पे गुरुजी का सारा अभिमंत्रित सामान है, मतलब धूनी वगैरह और उनके कपड़े, पूजा पाठ का सामान और अभिमंत्रित जल की बोतलें, ये कुछ इस तरह का है। और ये हमने वो ज्योति दी बर्थडे बनाया था तो इसकी फरिया वगैरह पड़ी है यहाँ पर। और ये कुछ इस तरह का रूम है, ये ऊपर से भी थोड़ा वो डेकोरेट कर रखा है। और ये प्यारे प्यारे बच्चे भी आए, नमो नारायण बोलिए सब जने, हाथ जोड़ के नमो नारायण कीजिए, नमो नारायण। तो ये एक सिंपल सा हॉल है, देखो यहाँ से भी रास्ता है बाहर जाने का। और ये सीढ़ियाँ हैं, ये द लेट बात है, ये रूम हमारा नहीं। एक बार नमो नारायण बोल दो आप सब, बढ़िया। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और सब्जी छील रहे हैं और दीदी जो है सब्जी बना रही है। एक मिनट रुकना, हलवा बन गया, हलवे का फोटो भी ले ले। हां, टमाटर का हलवे का फोटो भी ले। सब बोल मत, सब छोड़ी गई। ये गुरुजी का प्रसाद हलवा, काय का हलवा, ये सूजी का हलवा नहीं, आटे का, मोटा आटे। अरे बादाम का हलवा है, बादाम का हलवा। हाँ भाई, हलवा बन गया। हाँ, ये हलवा बन गया। ठीक है, हमारा तो बोल चुका है, माता का फोटो बन रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहे, हलवा बन रहा है। आओ तो देखो, तो जाओ बाहर। हाँ,
तो खीर अभी तक खीर जो है नीलम तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा उधर बन रही है खीर अभी क्योंकि हवन में भोग लगाएंगे खीर का और आज यहाँ पे नौ कन्याओं को भी जिमाएंगे तो यहाँ पे पूड़ी बनेगी आलू मटर की सब्जी खीर हलवा बादाम का हलवा मतलब वो सब देखा आपने क्योंकि यहाँ पे नौ कन्याओं को जिमाएंगे और आज ज्योति दिवस के शुभ अवसर पर सब गाँव में जितने भी कार्यकर्ता हैं जितने भी वो सब एकत्रित हुए हैं तो मैंने आपको दिखाया अभी किचन में सब जो भी बन रहा था और भी मैं आपको आगे बताऊँ सो गाइज अब कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है ताकि जो भी हमने आलू को कट किया है वो आलू को कढ़ाई में तल के उसके बाद इसमें पूड़ी तलेंगे तो अभी इसमें कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखा है और इधर ये सब जितने भी कार्यकर्ता हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं कोई खाना बनाने का काम कर रहा है कोई क्या किसी और कोई पूजा का काम कर रहा है तो अब चलते हैं बाहर सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कढ़ाई के अंदर तेल को गर्म होने के लिए रखा था तो अब तेल जो अच्छे से गर्म हो चुका है अब इसमें बारीक बारीक जो हमने आलू काटे वो इसमें डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा इनको फ्लाई कर सके तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे सारे आलू को फ्राई करके उसके बाद इनको निकाल देंगे उसके बाद इसमें हम आटा वगैरह गूंद के फिर पूड़ी तल लेंगे या फिर पहले सब्जी बनाएंगे तो ये बारीक बारीक आलू कटे में डाल रहे हैं और इनको अच्छे से फ्राई कर देते हैं उसके बाद फिर सब्जी की तैयारी करेंगे इधर रख लीजिए खुद आपके लिए लीजिए आप चाहो बन रही है सभी सेवादारों के लिए चाय और उधर आटे की तैयारी कर रहे हैं तो इधर बन रही चाय फिर चाय बाहर सभी सो गाइस हवन वगैरह सब कुछ हो चुका है मैं हवन में बैठ गया था मैंने हवन भी कर लिया और अभी जो है इधर चाय वाय बन रही मैंने आपको दिखाया चाय बन रही हवन वगैरह बहुत अच्छे से हो गया गुरु जी का और अभी है चाय बन रही चाय पियेंगे उसके बाद भोजन भी सारा बन चुका है फिर नौ कन्याओं को जिमाएंगे अच्छे से अभी करने अभी है और थोड़ी बहुत आस पास में उनको बुला देंगे तो अभी देखिए इधर तो आपने देख लिया होगा कि चाय जो बन चुकी है मुझे सब बाहर बैठे बेटा इसको पीछे करो
सो गाइस इस तरफ जो है पूड़िया को तला जा रहा है गर्मा गर्म, बहुत अच्छी पूड़िया बन रही है इधर। तो इधर ये जो दीदी हैं ये पूड़ी तल रहे हैं, और बाहर की तरफ जो है वो सब पूड़ी बना रहे हैं, मतलब बेलन चरकोट पे ऐसे बाट रहे हैं पूड़ी को। तो यहाँ पे मस्त देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, और पूड़ी एकदम गोल गोल स्वादिष्ट पूड़ियाँ बन रही हैं इधर। पूड़ी बन के पहले गुरु जी गुरु माँ जी को और माता जी को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद फिर नौकन्या जी आएंगे। सो गाइस ये सारी कन्या यहाँ पे इधर जो है हमारी नौ कन्याओं को भोजन जिमाना शुरू कर दिया गया है। इधर पूड़ी और आलू मटर की सब्जी रख रहे हैं, उसके बाद रखेंगे हलवा। तो ये अब पहले कन्या को जिमाएंगे, उसके बाद इधर जो है कन्या हमारे सब कन्या बेरू जी वगैरह सब इधर भोजन जिम रहे हैं। और ये क्या है इसमें अब पूरा करने दे अभी पैसे। हाँ भरो भरो भरो, ये सब कन्याओं को देने के लिए ना। तो ये कन्याओं के लिए सब तैयार हो चुका है, ये प्रसाद है, पैसे हैं। हाँ सब है, सब है पैसे। बंद कर दो। सो गाइस सभी ने भोजन कर लिया है, कन्याओं ने भी भोजन कर लिया है। हमारा हमारी बारी कन्याओं को सब देने वाली चीज़ें भी दे दी, जो भी आंटी जी लाए थे वो देने के लिए। और ये फसल अब हम ये हम सब जीएंगे। उधर जा, उधर जा। आप भी देखो।